पिछले दो वीक से ईस्ट इंडिया में कंटिन्यूस हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल्स कर रही थी, और अगर आने वाले दिनों की बात करें अभी थोड़ा इंटेंसिटी उसमें डिक्रीज की है, लेकिन हमारा अनुमान है कि आने वाले तीन दिनों में भी ईस्ट इंडिया में हीट वेव प्रिवेल करती रहेगी। अगर हम सब डिविजन्स की बात करें, उड़ीसा में हमारा अनुमान है आइसोलेटेड हीट वेव तीन दिन रहेगा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, बिहार, इन तीनों राज्यों में हीट वेव रहने का अनुमान है। और उसके बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण हमारा अनुमान है जो हीट वेव वहां स्लोली अवेट हो जाएगा। अगर आप साउथ पेनिनसुलर की इंडिया की बात करें, वहां पे आंध्रा, रॉयल सीमा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, इवन तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव प्रिवेल कर रही है, और वहां पे आने वाले चार दिनों में वहां हीट वेव कंटिन्यू रहेगी, जिसके लिए हमारा अभी रॉयल सीमा और तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण यह है कि वहां मिनिमम टेम्परेचर भी हायर साइड है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हीट वेव का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा जो वेस्ट बंगाल के लिए आने वाले दो दिनों के लिए ऑरेंज कलर है, उसका क्राइटेरिया भी यही है, वहां मिनिमम टेम्परेचर भी हायर साइड है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी टेम्परेचर सामान्य से काफी कम है, और स्लोली ये अभी क्योंकि हम कोई वेदर इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, स्पेसिफिकली प्लेन्स में, हिमालयस पे तो रहेगा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और हाई रिचीज में स्नोफॉल, लेकिन प्लेन्स में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो स्लोली बढ़ेंगे और आने वाले चार पांच दिनों में ये नियर नॉर्मल पहुंचने की अनुमान है, क्योंकि वो सामान्य से काफी ज्यादा कम है। सिमिलरली अगर आप रेनफॉल की बात करें, इस समय जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, कल वहां पे हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है, तो हमारा अनुमान ये है कि वहां पे आने वाले दो दिनों में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट तो वेदर नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। उसके बाद दो दिन के बाद वहां पे हैवी टू वेरी हैवी फॉल, इवन तीनों उसकी जगह जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है, मीन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। और इसके साथ ही अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, तो तीन दिनों के बाद जहां हमारा ईस्ट इंडिया या साउथ पेनिनसुलर इंडिया भी तीन चार दिनों के बाद जहां लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी विद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का अनुमान है।